भाई साहब, ये रैली किस लिए निकाली जा रही है? ये हम लोग रोहिला मुसलमानों के दिल्ली में भारतवर्ष में उनको प्रवेश नहीं मिले, उनको शरण नहीं दें, इस संदर्भ में निकाल रहे हैं। भाई साहब, ये रैली किस लिए निकाली जा रही है? जो रोहिंग्या आतंकवादी इस राष्ट्र में घुसाए हैं, उनके प्रति हम असहिष्णुता का भाव रखकर उनको इस देश से भगाना चाहते हैं, इसलिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। रोहिंग्या के खिलाफ में रैली क्यों निकाली जा रही है? रैली इसलिए निकाली जाती है क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमारे देश में और हमारे देश की एकता और अखंडता को वो प्रभावित कर सकते हैं। हमें मोदी जी से अपील करता हूँ कि पहले हमारे कश्मीर लोगों को बसाया जाए, ना कि विदेशी लोगों को यहाँ बसाया जाए। क्या खतरा है, क्या चुनौती है उनसे? जैसा कि हर बार देखा गया है, मुस्लिमों को हमने हिंदुस्तान के अंदर शरण दी है, लेकिन उसका जो आगे जो रिजल्ट होता है वो खतरनाक हो जाता है इसी देश के लिए, इसलिए हम उनको रोकना चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे। इससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठी भी आए थे, तो कितना नुकसान हो सकता है देश? बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान। भाई साहब, कितनी चुनौती है रोहिंग्या को लेकर देश में? देखिए जी, रोहिंग्या को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, हमारा देश है, हम यहाँ पे करेंगे कि उन्नति के लिए, फायदे के लिए, बाहर वाले नहीं। भाई साहब, कितनी चुनौती मान रहे हैं रोहिंग्या को लेकर भारत में? ये बहुत बड़ा ही संकट है भारत के लिए, अगर ये आ गए हैं तो समझ लीजिए आगे आतंकवाद आ जाएगा। क्या मानते हैं रोहिंग्या के खिलाफ में जो आप लोग निकाल रहे हैं रैली? क्योंकि जब इन रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान शरण नहीं दे सकते, तो भारत का क्या मतलब बनता है मुसलमानों को? म्यांमार से इन लोगों को निकाला गया है, जो लोग अपने देश के नहीं हुए वो हमारे किसी प्रकार से नहीं हो सकते। ये रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से निकालना है, अभी ये शरण मांग रहे हैं, कल ये अधिकार मांगेंगे, परसों बोलेंगे कि भारत किसी के बाप का नहीं है, फिर बोलेंगे भारत के टुकड़े होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने देश को ममता बनर्जी जैसे राजनेताओं की बलि नहीं चढ़ने देंगे, ये देश हिंदुस्तानियों का है, किसी ममता बनर्जी वगैरह का नहीं है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक आप सामाजिक कार्यकर्ता है रोहिंग्याओं के, हमारे देश में धर्मशाला नहीं है, इधर कोई आ जाएगा उसमें बस। क्या कहना है भाई साहब? हम यहाँ से बांग्लादेशी मुसलमानियों को भगाएंगे, यहाँ से सभी मुसलमानों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, किसी मुसलमान को रुकने नहीं देंगे। भाई साहब, क्या मान रहे हैं, चुनौती है रोहिंग्या? हमारा देश कोई कबाड़ खाना नहीं है कि जहाँ से मर्जी वहाँ से कबाड़ उठाओ, आतंकवादियों को उठाओ और हमारे देश में ले आकर डंप कर दो, हम इसका विरोध करते हैं। शरणार्थी अलाउड है लेकिन घुसपैठी अलाउड नहीं है। प्रधान भाई, भाई साहब, रोहिंग्याओं के खिलाफ में रैली निकाली जा रही है, क्या कहना है आपका? रोहिंग्या शरणार्थी नहीं, बल्कि ये अपने देश से भगाए गए लोग घुसपैठिए हैं, तो जब घुसपैठिए किसी देश में घुसपैठ करते तो उसके खतरे होते हैं, उस खतरे को हमने भांपा है और कश्मीर इसका बहुत दिनों से भुक्तभोगी रहा है, तो हम नई समस्याएं अपने देश में फिर पैदा नहीं होने देना चाहते, इसलिए गो बैक रोहिंग्या। हमने 700 टन खाद्य सामग्री कल इनकी मदद के लिए भेजी है।